अरे एमबी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम कॉलेज में चीफ गेस्ट हो, अगर तुम नहीं पहुंचोगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। मोहिनी, मेरा वो शर्ट कहाँ है? कौन सा? अरे वही शर्ट जो वो ग्रीन सा शर्ट था ना, चेक्स वाला, जो तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे प्रेजेंट किया था। वो वाला? हाँ। वो तो तुमने रखवा दिया था। तब तुमने कहा था कि वो कलर पहनने की तुम्हारी उम्र चली गई है। हाँ तो तब कहा था ना, लेकिन अब कहाँ है वो? अरे भाई, इस सच में तुम वही पहनोगे? हाँ वही पहनूंगा। अच्छा, इसमें नहीं है, वो सूटकेस उतारो, इसे बंद करो। लो चेयर दो। हाँ लो, संभाल। ये रे, ये ऊपर ही है। बंदी करो। ये लो। हाँ, ये वाला शर्ट। अरे वाह एमडी, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या उम्र वापस लौट आई है? कॉलेज का फंक्शन है मैंने। जब से कॉलेज छोड़ा है पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ। बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, वो कम उम्र वाली। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें कोई कम उम्र वाली तुम्हारी कॉलेज की साथी याद आ जाएगी। अब किसी के कोई मानी नहीं है सिवाय तुम्हारे। रियली? तुम्हें शक है? शक करना तो तुम्हारा पेशा है। बस तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। चलें। अच्छा एमडी, आज की कॉलेज की डिबेट का सब्जेक्ट क्या है? हथियार और आतंक आज की डिबेट का सब्जेक्ट है। बहुत ही मौजू सब्जेक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यंगर जेनरेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज यूथ इज ऑल्सो ए पावरफुल आर्म ऑफ द सोसाइटी। लेट अस सी हाउ यंग पीपल डील विद द सब्जेक्ट। आज की हमारी पहली स्पीकर हैं प्रतिभा राय, बीएससी सेकंड ईयर। हथियार और आतंक इंसान की ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी है। आतंक बहादुरी का नहीं बल्कि कायरता का रास्ता है। आत्मा की सच्चाई के रास्ते से जिन लोगों के पांव भटक जाते हैं, वे लोग चलते हैं इन रास्तों पर। आप शांति के किसी भी फरिश्ते के संदेश को उठाकर देखिए, आप उस संदेश में हत्या और हथियारों के खिलाफ सुनेंगे। किसी की जान लेने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। आर्म्स आर द फ्रेंड ऑफ डेथ, नॉट ऑफ लाइफ। हथियार का आतंक मचाने वाले लोग ये भूल गए हैं कि जिनके इशारों पर वे काम कर रहे हैं, वे किसी के दोस्त नहीं, वे उनके दोस्त भी नहीं जिनके हाथ में है। हथियार जब भी चलते हैं, किसी का घर आबाद नहीं बल्कि उजाड़ देते हैं। वे मांग के सिंदूर को उजाड़ते हैं, भविष्य के सपनों को उजाड़ते हैं, हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ते हैं। आतंक के रास्ते दिलों को जोड़ते नहीं बल्कि राष्ट्र को तोड़ देते हैं। जो ये मान बैठे हैं कि हथियार की दुनिया सबसे बड़ी दुनिया है, वे शायद हिटलर के अंत को भूल गए हैं। शांति के सबसे बड़े पुरस्कार और बारूद के जन्मदाता एल्फर्ड नोबल की कहानी को भूल गए हैं। बेगुनाहों के खून में गले तक डूबे कलिंग युद्ध की यादों में छटपटाते हुए अशोक को भूल गए हैं, जिसे जिंदगी ने दूसरा बुद्ध बना डाला। गांधी को मिटाकर भी कोई ये साबित नहीं कर पाया है कि सत्य की हत्या संभव है। नहीं, हथियार धर्म के लिए नहीं, अधर्म के प्रतीक हैं। आज जिंदगी की सबसे बड़ी मुठभेड़ हमारी यही है, हथियारों के खिलाफ है, हथियारों के आतंक के खिलाफ है। बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया के सामने आज एक सवाल है, और वो सवाल है कि मानवता अपनी शव यात्रा में शामिल होना चाहती है या शांति के जुलूस में। और मेरा ये मानना है कि हमें हथियारों की जरूरत नहीं है बल्कि शांति की, भाईचारे की जरूरत है।
और ये जरूरत उनको भी है जो आतंक के रास्ते पर चल पड़े हैं। धन्यवाद। और अब बारी है जावेद सिद्दीकी की। मैं मानता हूं हथियार इंसान के दोस्त नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आज की दुनिया में इंसान बहुत अकेला है, बहुत ही इनसिक्योर। बेशक ये हालात पैदा करने में हथियारों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हथियार का सामना निहत्थे होकर नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि अपनी हिफाजत के लिए आप किसी की जान लीजिए। मैं ये कहता हूं कि अपनी हिफाजत के लिए आप बहुत हिफाजत के साथ हथियारों का इस्तेमाल करो। हथियारों के गलत इस्तेमाल के लिए हथियारों को दोष देना बेमानी है। असली खतरा हथियारों से नहीं, उन दिमागों से है जो हथियारों में बदल गए हैं। खतरा तो शैतानी दिमागों में बिछी उस बारूद से है जिसमें हथियारों के जखीरे हैं। अगर किसी तरह इन शैतानी दिमागों से हथियार और बारूद को अलग किया जा सके, तब हम शांति के रास्ते पर चल सकते हैं। वरना दोस्तों, सफर में वो दिन बहुत दूर नहीं है जब चैन की सांस लेने को हथियारों की छांव भी मयसर नहीं होगी। शुक्रिया। बहुत अच्छे, अब बहुत ही अच्छे। वाह, नेक्स्ट स्पीकर हैं रोहित खन्ना, बीए फाइनल ईयर। बड़ा पॉपुलर लगता है। इक्कीसवीं सदी के कगार पे खड़े होके हम हथियार और आतंक पर बहस कर रहे हैं, मजाक सा लगता है। जाहिर है जहां हथियार होंगे वहां आतंक होगा ही। हथियार आज के समाज और आज की दुनिया में पनप रहे हालात का अटूट हिस्सा है। जो आतंकी हथियार फैलाते हैं वो आज हमारी जरूरत है। मुझे यकीन है कि दहशत से आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या जो आपको सही लगता है। हंसी आती है मुझे उन लोगों को देखकर जो बंदूक के आगे घिघियाने लगते हैं और अपने बच्चों का रोना रोते हैं। छीन लो बंदूक, दाग दो गोली अगर तुम में हिम्मत है तो। मुझे अगर अपने मकसद में कामयाब होना है तो मेरे हाथ में हथियार जरूरी है। अभी आपने शांति का विलाप सुना, कहा गया नोबेल शांति के पुजारी थे। यह भी कहा गया कि नोबेल ने बारूद की खोज की थी। क्यों खोज की थी? इसलिए खोज की थी कि अगर बतौर इंसान तुम कुछ चाहते हो, चाहे वो शांति क्यों ना हो, तो हथियार उठाओ, अपने विरोधी को ललकारो, डराओ और जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। तभी तुम वो शांति हासिल कर सकते हो जिसकी सबको तलाश है। जो लोग हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास हथियार है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, जुनूनी कहा जाता है। उन्हें दोष दिया जाता है कि अपने मकसद के लिए वे मासूमों को मार डालते हैं, दहशत फैलाते हैं। मेरा कहना है, बल्कि मेरा मानना है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं गोली चलाऊंगा, मैं आतंक फैलाऊंगा। अगर मेरी गोली की जद में कोई मासूम आता है तो वो मरेगा। बेहतर है वो अपने घर में जाकर बैठे अगर उसे अपनी जान पड़ी है तो। वजह इसलिए कि मैं एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा हूं। अगर इसमें कुछ आदमी मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए कुछ लोगों का शहीद होना जरूरी है। और अभी जो कुछ मैंने कहा यह महज लफाजी नहीं है, इसमें मेरा यकीन है। और जो कोई मेरे इस यकीन को ललकारेगा, मेरी पिस्तौल चलते वक्त झिझकेगी नहीं। मुझे लगता है लड़की जीतेगी। क्या सोच रहे हो तुम? आज चाय पार्टी होनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि जमाना वाकई बदल गया। चाय पार्टी होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मायने से क्या फर्क पड़ता है कि कौन जीतेगा? फर्क तो इससे पड़ता है कि कौन क्या सोचता है। आज की डिबेट के विजेता हैं रोहित खन्ना।
Congratulations. अच्छा बोलते हो तुम. वैसे तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसमें तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो सकती है. ये मेरा कार्ड, मोहनदास BLLB. अच्छा मिस्टर खन्ना, आपने ये लड़के रोहित को ही फर्स्ट प्राइज क्यों दिया? क्योंकि वो डिजर्व करता है. क्या बोलता है लड़का, विदाउट फेयर. आई लाइक हिज स्टाइल. यस ऑफ कोर्स, स्टाइल स्टाइल तो वाकई बड़ा अच्छा है उसका. वैसे आपके यहाँ कंटेंट के कोई नंबर नहीं होते जी? मतलब स्पीच में जो कहा गया है. मिस्टर खन्ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रोहित को इसलिए चुना हो कि आप भी खन्ना और रोहित भी खन्ना? Oh no, that's not true. Sir, sweets please. Sweet, wow. MD? मेरी बीवी मुझे मीठा खाने से मना करती है, लेकिन मुझे मीठे का बेहद शौक है, इसलिए मैं एक आध पीस तो खा ही जाऊंगा. हाँ मम्मी. आज की ये टी पार्टी रोहित के नाम. हाँ ठीक है यार. यार गुरु ने तो कमाल कर दिया, क्या गोलियां दागी है. रत्नी स्पीच में आ रहा. हाँ रोहित की स्पीच सुन के तो मैं कई बार मरते मरते बची. डर सोया खुश से. रोहित क्या कहता है, जो डर गया वो मर गया. ये कॉलेज में नया पंछी कौन है? साउथ से आया, माइग्रेट हो गया. हॉकी प्लेयर है. इसको बता दिया है ना अपने कॉलेज में हॉकी कैसे खेलते हैं. बहुत मस्त है. आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें सर. नॉट एट ऑल मिस्टर खन्ना, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ. वैसे भी रोहित बहुत टैलेंटेड लड़का है, ही डिजर्व्स. रोहित कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहा है. हाँ अभी तक किसी ने उसके खिलाफ पर्चा ही नहीं भरा है. हाँ, क्यों, सब डरते हैं क्या उससे? अब यही समझिए मिसेज मोहनदास, अभी तक तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन असली चिंता तो तब शुरू होगी जब कल को ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे. अफसोस तो इसी बात का है प्रिंसिपल साहब, पढ़ाई के टाइम पर आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, राजनीति करते हैं. पढ़ाई पीछे छूट जाती है, इसीलिए तो हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे अनपढ़ नेता हैं. क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नेक्स्ट ईयर के बारे में. नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर क्या है? जो तुम्हारा लास्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर शायद कॉलेज में अकेले काटना पड़े. को तो फेल हो जाऊं, नेक्स्ट ईयर का भी साथ हो जाएगा दोनों का. तुम सचमुच मेरे कहने पर फेल हो सकते हो? अरे एक बार कह के तो देखो, फेल होना तो 100% मेरे हाथ में. नहीं अगर कहो तो हो जाऊं. एक बात पूछो रोहित. पूछो. आज जो कुछ भी तुमने स्पीच में कहा, टेररिज्म, क्या तुम सचमुच टेररिज्म में बिलीव करते हो? ऑफ कोर्स. तुम किसी भी मासूम की जान ले सकते हो? तो यहाँ पर किसी को मांगने से हक नहीं मिलता है, हक छीनना पड़ता है, और अपना मकसद हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. किसी को भी मार सकते हो? देखो मेरे निशाने पे सिर्फ मेरा दुश्मन होता है, अगर कोई मासूम बीच में आता है तो आई कांट हेल्प इट. और अगर मैं सामने आ गई तो आई एम सॉरी रोहित, हम दोनों का साथ रहना मुश्किल है. रोहित सुन, क्या? एक बुरी खबर है. क्या हुआ? तुम्हारे खिलाफ कॉलेज इलेक्शन में एक लड़के ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया. किसने? राजा, वही हॉकी प्लेयर जो माइग्रेट होकर आया. राजा,
कॉलेज में पढ़ने हैं कि परमानेंट मैग्नेट होना है? सुन तो अभी चल, बाबूजी को देखने डॉक्टर आने वाला है। मैं सिस्टर की ड्यूटी लगा के अभी आता हूँ। खिलाफ कोई खड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नया हुआ इसलिए अभी तक गोली नहीं चली। शाम तक का वक्त देता हूं, अपना नाम वापस ले लो, वरना इस शहर की पुलिस तुम्हारी लाश से तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सकेगी। रोहित का है? रोहित तो कॉलेज से अभी तक आया नहीं, क्यों, क्या हुआ? बात दरअसल ये है कि कॉलेज में एक लड़के का खून हो गया है। खून? हाँ, खून। चलो। क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? बाबूजी तो ठीक है ना?
रोहित, क्या रोहित, पुलिस आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, कॉलेज में किसी लड़के का खून हुआ है रोहित। पुलिस आई थी? हाँ। मैं? रोहित तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन क्यों? तुम यहाँ से भाग जाओ रोहित, तुम यहाँ से भाग जाओ। बाबूजी का ख्याल तुम मत करो रोहित, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ रोहित, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। हेलो, हाँ जी एक मिनट। एमडी, हाँ, तुम्हारा फोन। हेलो मोहनदास, बीएलएलबी स्पीकिंग। सर मैं रोहित बोल रहा हूँ सर। रोहित कौन? आपने कार्ड दिया था सर डिबेट वाले दिन, आप चीफ गेस्ट थे। ओ रोहित खन्ना। यस सर। कॉमर्स कॉलेज? यस सर। सर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया सर। पुलिस ने पकड़ लिया, क्यों? मर्डर केस में सर। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। आई नीड योर हेल्प सर। कहाँ से बोल रहे हो? मैं अपने कॉलेज के बाजू वाले थाने पे हूँ सर। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। थैंक यू सर। किसका फोन था? याद है तुम्हें, कॉमर्स कॉलेज का एक लड़का था रोहित खन्ना। हाँ, जहाँ तुम चीफ केस बन के गए थे वहीं। हाँ, किसी मर्डर केस में फंस गया है। कौन? रोहित? हाँ, मेरी हेल्प चाहता है, जाना पड़ेगा। सर आप केस को टेक ओवर कर रहे हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौकाए वारदात से बरामद रोहित की रिवॉल्वर, खून में डूबे राजा के कपड़े और राजा को जान से मारने की धमकी, ये सारे एविडेंसेस पुलिस कस्टडी में है। थैंक यू मिस्टर उपाध्याय, मुझे अगर किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा। एनी टाइम सर। थैंक यू। पर सर एक बात और, चूंकि आप रोहित को ले जा रहे हैं इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी की जान को है तो वह है रोहित की जान को। ओह आई सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जान की हिफाजत करनी पड़ेगी सर। थैंक यू। जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता तब तक तुम इसी कमरे में रहोगे। ये लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे, किसी खास चीज की जरूरत हो तो तुम मांग सकते हो। इसका खास ख्याल रखना, इसकी जान को खतरा है। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा रोहित, और अगर तुमने कत्ल किया है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चार कटिंग देना। रोहित भी कमाल है यार, धमकी हमारे सामने दी, पीछे से उसका खून कर दिया। सुना है राजा की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अच्छा वो हम जो साथ नहीं थे उसके, वरना ये तो हमें भी मरवा देता। समझ लो भगवान ने हमें बचा लिया है। ए, उसके दोस्त चलो उठो, पीछे से निकल लो। Thank you.
नाश्ता वहां से यहां क्यों आ गए और सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए? खोल दो। हाँ खोल दो। कुछ खबर? किस चीज की? नहीं कुछ नहीं। ये आज का पेपर मिलेगा? श्योर। थैंक यू। एमडी कहाँ है? आने वाले। राजनीत के पिता का है बाबूजी? छात्र राजनीत में दो गुटों के बीच के झगड़े में रोहित खन्ना के पिता घायल हो गए? कोई है? कोई है? सुनिए, कोई है? कोई है? ओह माय गॉड, कहां गए? कोई है? छात्र राजनीति में पिता घायल? माय गॉड, रोहित खन्ना के पिता घायल? मेरे फादर को किसी ने गोली मारी। पेपर देने से पहले पढ़ तो लेना चाहिए। सॉरी सर। रोहित, मैं तुम्हारे फादर से अभी हॉस्पिटल में मिलके आ रहा हूँ। ये सही है कि किसी ने उनको गोली मारी है, दो गोलियां लगी हैं, लेकिन उनकी जान खतरे से बाहर है। मेरा ख्याल है राजा के दोस्तों ने गोली मारी है। व्हाई? मेरे फादर से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, तुम्हारे फादर से नहीं, उनकी दुश्मनी तुमसे। मैं घर जाना चाहता हूँ। रोहित, तुम्हारी जान को खतरा है, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। मेरी बहन कहाँ है? लुक, आई वॉन्ट टू गो होम, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। नो। सर, इनकी बहन के बारे में पता कीजिए, नजर रखना इस पे।
आरती, आरती, चाचा, ये आरती कहां चली गई? रोहित सर, रोहित तू भाग जा यहां से, राजा के दोस्त तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर मैं रॉबिन और चीमा किधर है? कॉलेज में होंगे, अपना ख्याल रखना।
बाहर से। मुझे भी मार दे प्लीज, प्लीज प्लीज। 21वीं सदी के कगार पर खड़े आज हम हथियार और आतंक के बारे में बात कर रहे हैं। मजाक सा लगता है। यही कहा था ना तुमने अपनी स्पीच में डिबेट के दिन, जहां हथियार होंगे आतंक तो होगा ही। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो बंदूक के सामने घिघियाने लगते हैं, अपने बच्चों की दुहाई देने लगते हैं। छीन लो बंदूक, दाग दो गोली अगर हिम्मत है तुम में तो। जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, औखियां थी, छीन नहीं पाए तुम। पर तुम पर हंसी नहीं आई मुझे, क्योंकि मैं आतंक के सही माने जानता हूं, और शायद कुछ कुछ इस वक्त तुम भी समझ पा रहे हो आतंक का सही मतलब। तुमने अखबार में अपने फादर के बारे में पढ़ा और तुम बौरा गए। सोचो, जब अखबार की सुर्खियां चीखती हैं 20 मरे, सोते हुए बच्चों पर गोली चला दी गई, चलती बस पर बम फटा, गांव का गांव मौत के घाट उतार दिया गया, मरने वालों के घर वालों पर क्या गुजरती होगी। तुम्हारे लिए शांति महज एक विलाप है। मेरे ख्याल में जो शांति हथियारों से हासिल की हो, उस शांति की सफेदी में मासूमों के खून का सुर्ख रंग कभी महकेगा नहीं, मवाद बन के पूरी इंसानियत में फैल जाएगा, आतंकवाद की फसल खड़ी कर देगा। और क्या कहा था तुमने? हाँ, तुम्हें अगर कुछ हासिल करने के लिए गोली चलानी पड़ेगी तो तुम गोली चलाओगे, आतंक फैलाओगे, और अगर तुम्हारी गोली की जद में कोई मासूम आता है तो वो मरेगा, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए कुछ लोग तो कुर्बान होंगे ही, कुछ लोग तो शहीद होंगे ही। एक बस में से कुछ लोगों को उतारा जाता है, एक लाइन के अंदर खड़ा कर दिया जाता है और गोली मार दी जाती है। कुछ मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में बेखबर सो रहे होते हैं और कहीं से गोलियों की एक बौछार आती है और सब खत्म। ये कुर्बानी नहीं, शहादत नहीं है, ये कत्ल है। और कातिल चाहे कोई भी हो, एक आम मुजरिम या आतंकवादी, मेरा पूरा वजूद, मेरी पूरी शख्सियत, मेरी पूरी सोच उस मुजरिम या आतंकवादी को चकचोरने में झिझके ही नहीं। शायद आज तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क महसूस हुआ होगा। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था सब झूठ था, ये मैंने सब करवाया था तुम्हें एक आतंकवादी और एक मासूम के बीच का फर्क समझाने के लिए। अखबार की वो खबर झूठी थी, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे सब दोस्तों ने मेरी मदद की, सब यही तुम्हें समझाने में मेरी मदद की।
अगर तुम्हें अभी भी हथियार की जरूरत है तो ये लो। यही मेरा मकसद था। इंसानियत से बड़ा कोई हथियार नहीं।